मेरा फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट ड्यूएट है इनके साथ. एंड पहला जो मैं गाना लेकर आई थी ना तुम हमें जानो, वो भी हेमंत कुमार का था. और इस बार मैं जो लेकर आई हूँ वो भी हेमंत कुमार का है, याद किया दिल ने. बहुत ही उनका फेमस गाना है. बट अनफॉर्चुनेटली जो कॉलेज में है, जो हमारा जनरेशन है, आधे से आधे लोग जानते भी नहीं हैं यू नो कि ये गाना क्या है. सो मुझे जब मैं ये गाना सुनाती हूँ लोगों को, तो स्पेशली इफ देयर इन कॉलेज, दे थिंक इट्स अ न्यू सॉन्ग, दे थिंक इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. सो बट आई इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट कि मैं हेमंत कुमार का जो वो मैजिक है वो वापस फिर से लाऊं अपने इस जनरेशन के लिए. मैं प्रतिभा को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वी बीन फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल नाउ. और जब भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया है गाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कैसे होने वाला है, क्योंकि मैंने इनका आवाज़ कभी सुना नहीं था. लेकिन जब हम लोग स्टूडियो में प्रैक्टिस करना शुरू किया और जब हम लोग ने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो एकदम प्रो के जैसे गा दिया. थैंक यू. एंड बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करते हुए. और मेरा दोस्त विशाल भी, हम बहुत हेल्प किया उन्होंने पूरा अरेंजमेंट चेंज किया. और totally. बहुत विदाउट हिम इट वुडंट हैव साउंडेड एनीवे क्लोज. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली या एक्सपीरियंस अच्छा था ओवरऑल. सॉरी, कितने व्यूज आ चुके हैं रियली? इतने जल्दी 2.5K? अभी तो लॉन्च हुआ गाना कुछ घंटों पहले. आई एम वेरी हैप्पी. अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिला है तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज काफ़ी लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है. एंड मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ. एज अ हॉबी मैं अपने आप को मेरे गाने के पैशन को सराहने के लिए मेरा अटैम्प्ट है. सो आई एम वेरी हैप्पी. बहुत बहुत शुक्रिया सबको. फैमिली के लिए ये गाना सस्पेंस था. पहला वाला गाना भी सरप्राइज था. मेरी मॉम जानती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैंने क्या गाया है, कौन सा गाना गाया है. बट राइट नाउ शी इज़ टेक्सटिंग मी दैट शी इज़ थ्रिल्ड विद द सॉन्ग. एंड इस बार जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, वो मैंने बिना रिहर्सल्स के, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, मैंने ऐसे ही मैंने गा दिया था. बस कुछ प्रैक्टिस के कुछ रिहर्सल्स करके मैंने लॉन्च कर दिया था. बट इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत ली. हिंदुस्तानी क्लासिकल ध्रुपद में मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया. मेरे गुरु हैं मनोज सराफ, इंदौर से मुंबई में आते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो उनसे मैं सीख रही हूँ. एंड आई होप मैं आगे भी सीखूँ, बिकॉज ये एक्चुअली एक साधना है आपके वॉइस को मेनटेन रखना. ये बहुत ही बड़ा, मैं बोलती हूँ एक्टिंग से भी बड़ा चैलेंज है. सिद्धार्थ के साथ बहुत इजी बॉन्डिंग रही है. जैसे कि उन्होंने कहा, वी नो ईच अदर, ऑल्दो वी नॉट रियली हंग आउट टुगेदर, बट वी नो ईच अदर. मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है, लाइव परफॉर्मेंस देखा है. ही इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी पावरफुल वॉइस. बॉलीवुड के लिए भी गाना उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं. एंड इनका रॉक बैंड है, रॉक इनकी स्पेशलिटी है, या व्हाटएवर. So it's a different experience for me, very different experience. I've never really sung with somebody like him. Remake karna hai to. Oh my god. I seriously don't know, but yehi to gana hai, yehi to Lata Mangeshkar ka gana hai jo maine abhi wapas gaya hai. So nahi, pressure to nahi tha, but nahi bilkul pressure nahi tha. Just that maine apna singing style jo hai thoda sa maine badal diya, because नॉर्मली मेरा थोड़ा सा कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, तो उसे मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ा. बट आई थिंक आई एम प्रीटी वर्सेटाइल लाइक दैट, अडैप्ट करने में आई एम प्रीटी वर्सेटाइल. आई हैव ऑलवेज बीन वर्सेटाइल, सो मुझे दिक्कत नहीं हुई है. बहुत अच्छी बात है. ये जो ट्रेंड है, मोस्टली कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है कि एक्टर्स सिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं. यहाँ पर बहुत रेयर है. एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद एक्टर्स हु कैन सिंग, वेरी वेरी फैसिनेटेड विद देम. और गिन चुन के कुछ है, आयुष्मान खुराना है, अली जफ़र है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम. सो आई रियली लाइक इट इफ एन एक्टर कैन सिंग, क्योंकि उनके सारे गाने मुझे पसंद आते हैं. जो अभी उन्होंने डियर जिंदगी के लिए गाना गाया था, वो भी बहुत बेहतरीन था. हाय अल्लाह. कौन सा गाना? हिंदी वाला. ओके. ओ माई गॉड. मुस्कुराने की वजह तुम हो,
बचाओ तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। यस, दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। मेरे प्रीतिका का फेवरेट हूँ। आई लाइक जानिया, आई डोंट नो इफ यू जानिया, आई ऑलरेडी सैंग इट, यू सैंग इट, आई विल सिंग वंस मोर। मैंने खुद गाया हुआ है Haunted 3D के लिए, the name of the song is Jania. I'll just sing the chorus. Jania, oh Jania, bas roye dil mera, aansu palkon pe nahi hai bewajah, dil hai gham zada Jania.